वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं बात करूंगी शीट मास्क के बारे में। शीट मास्क को किस तरह से यूज करना चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शीट मास्क क्या होते हैं। शीट मास्क पहले कोरियंस यूज करते थे और अब तो पूरी दुनिया ही यूज करती है, और ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए नहीं होता है, इसे बॉयज भी यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर कर रही हूँ जो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग शीट मास्क यूज कर रहे हो तो इन पॉइंट्स का जरूर ख्याल रखें, तभी आप लोग शीट मास्क यूज करें। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। कोई भी शीट मास्क आपके फेस पे क्लींजर या फिर फेशियल का वर्क नहीं करते हैं, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं और हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। किसी भी शीट मास्क को आप 15 मिनट से ज्यादा देर तक अपने फेस पे ना लगाएं, क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा देर तक लगाओगे तो ये ड्राई होने लगेगा, और ड्राई होने के बाद जितना भी मॉइस्चराइजर इसने आपको अपने फेस पे दिया होगा वो वापस से ऑब्जर्व करने लगेगा। शीट मास्क को अगर आप प्रॉपरली अपने फेस पे लगाते हो तो इससे आपके फेस पे जो रिंकल्स हैं और स्पॉट हैं वो भी रिड्यूस होने लगते हैं। मार्केट में आपको काफी तरह के शीट मास्क मिलते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि जैसी आपकी स्किन है आप उसी तरह का शीट मास्क यूज करें। अगर आपकी बहुत ज्यादा पिंपल निकलते हैं, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप एलोवेरा शीट मास्क यूज करें जिसमें सैलिसिलिक एसिड बहुत ही कम मिला हो। अगर आप ऑल डे वर्क करते हो और आपकी स्किन बहुत ज्यादा थकी थकी सी और बहुत ज्यादा डल लग रही है, तो आप नाइट में शीट मास्क जरूर यूज करें। आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेगी और ग्लोइंग होगी। कोई भी शीट मास्क रियूजेबल नहीं होते हैं। एक शीट मास्क को आप सिर्फ एक ही बार यूज करो, उसे दोबारा अपने फेस पे अप्लाई मत करना। अगर आप इसे दोबारा से अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लाइक आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल होने लगेंगे या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और पैची होने लगेगी। शीट मास्क हमारे फेस के लिए और स्किन के लिए काफी अच्छे होते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट्स आपके स्किन को तभी मिलता है जब आप इसे सही तरीके से यूज करते हो। तो जो भी मैंने पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताए हैं आप उन्हें जरूर फॉलो करना। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उनका 100% आंसर करूंगी। सो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक भी फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।